ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है इंसान बे औलाद हो। बुआ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्रीति की क्या गलती है इसमें? कोई आया किसी ने इसके कमरे में चूड़ियां रख दी, इस बेचारी ने क्या किया? अरे भाभी इन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे मेरी दी पे विश्वास है कि दी कभी गलत नहीं हो सकती, कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 क्या बात है, भाभी की साइड ले रही है चोरनी चोरनी मौसेरी बहने। वाजी प्लीज आप बात को गलत मत समझिए, शिवम जो भी गुस्से में कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रीति की बदनामी होगी। और सोचिए ना गुस्से में अगर शिवम को कुछ हो गया तो? तुम कहना क्या चाहती हो? हमने उसे जो जाने दिया वो हमने गलत किया है, हम गलत, हम सब गलत, बस तू एक सही कर रही है, सबको पता है काका सही कर रही है तू। सही कह रही हो अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो, हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन हम का चीनी जापानी में बात कर रहे हैं कोई समझ नहीं रहा है। हम बता रहे हैं हम जो चीज कहते हैं ना सब लोगों को जहर लगती है, हमारे इस घर में कोई औकात ही नहीं है, हम सही कहते हैं तो भी लोगों को गलत लगता है, इसलिए हम तो अब जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। रुको, कहीं जाने की जरूरत ना है। अरे भाई बहुत मानते हैं हम आपकी बातों को, बहुत महत्व है आपकी बातों का इस घर। अरे इनका कहा है बाबा बनेंगे तब समझ में आएगा, तुम लोग इतने इतने से थे, हाथ में खिलाया है तुमको, अरे उनका मन कट रहा है इसलिए तो गुस्सा कर रही है प्रीतिया को, और उसके फायदे के बारे में ही बोल रही है। और तुम काहे बीच में बोल रही हो रिया, तुम मत बोलो बीच में। हम शिवम के पापा को ही फोन करते हैं, सारी झंझट अब वो ही निपटेंगे। अभी उसको फोन लगाएगी हैं, हैं? आग में तू घी तेल सब उड़ेल देगी का? भूलो मत, पता घर पे है, बिरादरी में बात फैल जाएगी, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। हाँ, हाँ। चलो चलो सब शांत रहो, अपने काम निपटाओ, चलो। हेलो दोस्तों, मैं आरजे मोहित मिहिर आपका स्वागत करता हूँ 59.8 FM सरगमसराय। दोस्तों क्या है ना कि आज मैंने ये जो मेरा शो है इसका नाम कुछ चेंज कर दिया है, सुनो। आज से मेरे इस नए शो का नाम है टूटे हुए दिल के दास्तां। क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया? नाम एक्चुअली थोड़ा लंबा है। बट गाइस क्या है ना, ये आज की सिचुएशन पे करेक्ट बैठ गया। वो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि ये लड़कियां होती है ना साला सब धोखेबाज होती है। अब आप चाहे किसी लड़की को कितना भी प्यार कर पर ये धोखा ही देती है, है ना, है ना? ये करेक्ट बात है। मोहित कहां पर है? मोहित तो स्टूडियो नंबर 1 में है, पर आप लोग अच्छा। तो दोस्तों इस धोखेबाज माहौल के लिए एक कमाल का धोखेबाजी भरा गाना, तो आप सुनिए धोखेबाजी वाला गाना। क्या कर रहा तू यार? ये सिस्टम क्या कर रहा है सारे? आज आज प्रीति जी नहीं है तुझे बचाने के लिए, समझा क्या? अरे अंदर आओ। आओ हट साला, चल हट हट साला, क्या मेरा रेडियो स्टेशन पे आ गया तू? अबे छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरे घर में घुसता हाँ, अगर मेरी बहन के आसपास नहीं भटकना तो जान से मार लूंगा तुझे। अरे चल, अब तेरी बहन खुद आएगी मेरे पास, वो भी भाग के, समझा क्या? प्रीति जी का नाम अपनी गंदी जुबान से दोबारा मत लेना। भैया
छोड़ो छोड़ो। कछु अनर्थ ना कर बैठे ही लड़का, क्या हो रहा, लगा के नहीं फोन छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहे भैया, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ क्यों बार बार फोन कर रही हो? भरा नहीं, जिंदा हूं मैं, आ रहा हूं ना घर पे। शिवम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारी टेंशन हो रही थी इसीलिए फोन कर रही थी। आप ही बात कर, तू बहुरिया को काहे डांट रहा है? कहाँ है तू, अभी कभी घर पहुंच। आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ घर पे आ रहा हूँ। देख तू तू दिमाग दिमाग ठंडा कर, कसम है तुमको हमारी, तू आ घर पर आ, जल्दी आ जा। अरे माँ परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ घर, आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। वहां से निकल, ठीक है निकल रहा हूँ। गुस्सा थूक दीजिए, जो होना था हो गया, अब घर चलते हैं, घर पे सब राह देख रहे होंगे ना। चलिए। हे प्रभु, अगर इनको पता चल जाता कि ये चूड़ी कांड हमने किया है तो हमारी तो जान निकाल लेते। चलो क्या हो रहा है यहाँ, ये गुंडागर्दी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। I will call the police. तो आप यहाँ के डायरेक्टर हैं? क्यों? सर्टिफिकेट देना है? सर सर्टिफिकेट तो आपको मिलना चाहिए, आपके प्यारे मोहित मीर की वजह से। इसके प्यार का भूत इस तरीके से उतारूंगा ना कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो। मुझे क्या करना है मैं समझता हूँ। ये फोन सुन रहे हो, मोहित के लिए आ रहा है ये, मोहित के चाहने वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, लेकिन अपने बिगड़े लार्जे को संभाल लीजिए। हाँ अपना रेडियो पे क्या, कहीं भी मुंह खोलने लायक नहीं रहेगा वो। यार बड़ा टंटा है इस मोहित का, निकल बाहर कर इसे। सर ये तो एक नया स्कैंडल बना है, क्यों निकाल रहे हैं इसको? ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, हम यूज कर सकते हैं इस केस को। आओ मखनी। Yes! आज तो पता मिल ही जाएगा उसका। वाओ मम्मी, मानना पड़ेगा आप तो उड़ते बर्ड के ना विंग्स गिन लेती हो, आपने जैसा कहा था वैसे ही हो रहा है। नमस्ते अम्मा जी, वो हमको ना इस लड़की से मिलना है। हाँ हमको इस लड़की से मिलना है। कौन सी खिड़की? अरे जीजी ये थोड़ा टेढ़ा सुनती हैं और लगता थोड़ा ऊंचा भी। अम्मा जी ये खिड़की को कहीं देखा है आपने? ये लड़की यहाँ नहीं रहती। ये मकड़ी तुम्हारा तो तीर निशाने पर लग गया। अरे अम्मा जी ऐसे कैसे नहीं रहती, इस लड़की को तो हमने यही देखा है, कहा है ना इस लड़की की शादी नहीं हुई है ना इसीलिए। अरे शादी तो हमारे भी नहीं हुई, जल्दी बताओ लड़का कौन है। जी जी देख रही हो, वैसे इनके कानपुर में हड़ताल है लेकिन शादी की बात झटकाल में गिर गई। अब तो हमारी शादी करा दो नहीं तो हमारा हाल भी ऐसे ही होगा, हम ऊंचा सुनने लग जाएंगे बता रहे। हाँ तो ठीक है ना, सामने कुंवारी लड़की खड़ी है, कर लो शादी बुढ़िया से। कितना सही बोला, मैं तो अभी भी बुढ़िया लगती हूँ। अरे पगला गई हो कहा अम्मा जी, आपको बुढ़िया बोली है और आपको बुढ़िया सुनाई दे रहा है? अरे हम नहीं करनी आपसे शादी। अरे तुम चुप रहो, शादी की पड़ी है। अरे अम्मा जी आप तो बताओ आपने इस लड़की को देखा है का? तुमने क्या है ऐसे? अभी 9:11 की डुड़की नहीं लगाई तो पुलिस को बुलाऊंगी। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, ये लड़की का पता तो बताती जाओ। हमको पहले ही समझ में नहीं आ रही, अरे यहीं से तो वो लड़की निकल रही थी, यहीं से निकलते हुए उसको देखा तो कहाँ चली गई वो? पहली बनती जा, क्या करें? ए मकड़ी सुनो, कल सुबह तुम एक काम करो, इस घर की ना चौकीदारी में लग जाओ और जो आएगा जाएगा उसका लिस्ट हमको चाहिए, ये पहेली कल सुलझ जानी चाहिए, क्या समझे? ठीक है जी जी। ड्राइवर चलो। ए झूले महाराज हमारा भी वही हाल है,
जब से तुमसे बिछड़े हैं, कहा बताए, सपने में भी तुम आते हो। हाँ, अभी मन कर रहा है, सोचते रहते हैं कब हम फिर से तुम पे बैठ के चूलेंगे। निकालने के बाद ये आ गया खुसट। शांति, लो विश्वनाथ का प्रसाद लाए हैं, पूजा रखी थी घर में सबकी सुख समृद्धि के लिए। अच्छा सुनो, कल के तुलादान की तैयारियां हो गई? वो पूजा का सामान तो सब रख दिया है। हाँ। अब बोल दिया है आ जाएगा, पर एक काम कर बहुरिया, वो जो कापी है पेन है कुसिया को लिखवा रहे थे वो लेके आ जा, तो फिर दद्दा बता दे और काल। हाँ, चलो चलो चलो, कुछ रहने जाना चाहिए। हाँ, जल्दी ला, जल्दी ला। और कहा हो गया, माथे पे चोट कैसे लग गई? दद्दा जी बस ऐसे ही हल्की सी चोट लग गई। अरे तो हम भी देख रहे हैं हल्की सी चोट लगी है, लेकिन तू तो बिल्कुल ठीक ठाक था, कैसे लग गई है चोट? अरे हमको सुनने में आया था कि शिवम यहाँ से बहुत तेजी से फटफटी लेकर गया है। खुराफात करके आए हमको बता है? क्या था तुमको मकर? थोड़ा सा झगड़ा हो गया भाई बहन के बीच में, वो तो होता है सबके घर में होता है, सिर्फ हमारे घर में थोड़ी ना होता है, सबके घर में होता है झगड़ा। झगड़ा तो होता है, नहीं होता है, लेकिन ये क्यों चोट चोट झगड़े से हो गई चोट? ले आई कॉपी जी? अच्छा जो लिख लिया वो छोड़ो, सब पूजा का सामान लिख लिया, दान का सामान आप जो नहीं लिखा वो बताओ ना। दान का सामान जरूरी है, लिखो 25 किलो गेहूं लिखो, 25 चावल लिखो, चावल 6-7 टोकरे फलों के भी लगेंगे, वो भी लिखो, वो भी लिखो। और सुनो, नदी के किनारे किनारे चले जाना, सवेरे सवेरे 5 बजे सस्ते मिल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, हो गया? हाँ हो गया, बाकी सब तो मंगा लेंगे हम, पूजा का तो लिख लेंगे। नहीं 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 होगा, हम है ना, आप फिक्र मत कीजिए। अरे शांति, आज तो कमाल हो गया, पता नहीं दोपहर का खाना कहाँ गायब हो गया, समझ में नहीं, हजम हुआ ऐसा कि पता ही नहीं चला, इतनी जबरदस्त भूख लग रही है, क्या बताएं। अच्छा जल्दी से कुछ खाने को कर दो। हैं, अच्छा क्या बनाया है आज? अच्छा सुनो, वो हरी चटनी बनाई है तुमने? जी अभी लगा देते हैं, हरी चटनी भी बनाई है और आपकी मनपसंद कढ़ी भी बनाई है। कढ़ी? चटनी तो ठीक है, पर कढ़ी तो क्या? शांति तुमको तो पता है ना कि हम रात के वक्त दही नहीं खाते हैं। हाँ। पेट में ना ऐसे गैस के गुब्बारे बनने ऐसा होने लगता है, और होता है हमको बहुत जबरदस्त होता है। जी होता होगा, हर बात बताए। हम रात के वक्त जो है ना कम तेल और बिना मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। तुम एक काम करो, पत्ते वाली कोई सब्जी बना लो, वो बना लो, पालक निकलो, मेथी बना लो, और कुछ रोटियां बना लो। और सुनो, रोटियां ना सेको, हमारा आज बाजरे की रोटी खाने का मन कर रहा है, तो बाजरे की रोटियां बना लो। पता नहीं कहा बाजरे का पति कैसे मन कर गया। देख बहुरिया जी, मेरी मदद कर देते हैं, बता देते हैं तुझे, लाल चौक में चंदू बनिया है, चंदू बनी वहां से सामान मंगाना, तुरंत अच्छा और सस्ता सामान दे देगा। जी दादी जी, ठीक है, पर उधार नहीं देता वो है, नगद पैसे देने पड़ेंगे, हिसाब का बड़ा पक्का है। कोई बात नहीं, मैं उसे सारे पैसे नगद दे दूं। मम्मी कहाँ है रे? ऐसे काली रात में काले चोर की तरह कहाँ छुपा रहा है अलमारी में? कुछ नहीं छुपा रहा, कहाँ छुपा रहा है? ये क्या हो रहा है? हट, देखने दे हमें, चल हट। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है?
अमित, तूने तो कहा था कि जब तुझे पैसे मिलेंगे तो तू हमारे हाथ में रख देगा, ये तो छुपा कह रहा था। कितने पैसे हैं? ले ले, इसे अपनी बात हुई थी ना, आधे तू रख ले, आधे हम रख लेते। यार एक गलत बात है यार मम्मी, यार हम इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे, तुम उसके जबरदस्ती आधे नोट निकाल लेती है यार, ऐसा होता है क्या? ये तो मतलब एक नंबर की सरासर नाइंसाफी है, बता रहे हैं बहुत गलत नाइंसाफी है। क्या गलत नाइंसाफी है इसमें? नहीं, हमें पैसे देने में तेरी नानी मर रही है। अब मर जाए तो अच्छा है। अरे नहीं नहीं, क्या बोल दिया हमने, तू फालतू बातें मत कर। हमें पैसे देने में तुझे तकलीफ हो रही है, और रनिया के लिए साड़ी लाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी तुझे? अरे यार मम्मी, हम तो आपको बता रहे हैं यार, आप ही के लिए लाए थे, वो तो छोड़ दिए। का अमित जी, ये जुए की कमाई है का? जुए की कमाई है का? तुम्हें का मतलब है? कहीं की भी कमाई हो, आई है बड़ी थानेदारनी कहीं की पूछने वाली, उसकी एजेंसी की कमाई है। वो कोनो कोई भिंडी नहीं बेचता है बाजार में, जो 40 रुपए पाव बेच के सब पैसे कमा के लाया है। अमित तू है ना, अपनी अलमारी में ताला लगा के रखा कर भाई, काहे कि बुरी नियत वाले लोगों की कोनो कमी नहीं है दुनिया में। तुम ज्यादा तिया पाचा करने की कोशिश मत करो, समझी? वरना तुम्हें अपनी चाची के घर छोड़ने नहीं जाएंगे हम, तो फिर सीधा कोर्ट कचहरी ले जाएंगे। पर कोर्ट कचहरी काहे के लिए? मतलब तलाक वहीं पे होता है ना। काम मम्मी जी कैसे कैसे बातें करती रहती है? कैसे का मम्मी, जो बात करती है सही बात करती है, समझे? सुन लिया करो, गांठ बांध के रख लिया करो अपने पल्लू में, नहीं तो वो जो तकलीफ का गेफट है ना, वो रंगीन लिफाफे में बांध के दे देंगे तुमको, फिर एजी ओजी करके गाते रहना उसको देख देख के, समझ रही हो? चलो निकल लो, हो गया सो खत्म, चलो दौड़ लगा दो। और सुनो, कल सुबह जल्दी नहा धो के तैयार हो जाना। काहे की चलना है का? हाँ, शांति सदन में हमारे ताऊ आए हैं दद्दा, उनको आशीर्वाद देने जाना है। हम आशीर्वाद? ओहो, उनसे आशीर्वाद लेने जाना है। अच्छा, तो कोनो कोई खजाना हीरे मोती देंगे का साथ में है? हीरे मोती के लायक हो जैसे है, जो आशीर्वाद दे वो चुप्पे से रख लेना, और बिना देखे हुए हमारी तरफ सरका देना, ठीक है? चलो सर को। गुड नाइट। आप एकदम मम्मी मिली है यार हमें, मतलब पैसा सुन के आ जाती है। कहाँ है? कहाँ? अरे कहाँ कहाँ थी क्या? बाहर आंगन में सोओगी? जब से हमने सन्यास लिया ना दादा, हम यहीं पसर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मतलब के ये नहीं हो सकता भाई, हमारे घर के बहुएं ऐसे आंगन में नहीं सोती हैं। कहाँ बताया, हमारी हालत कहाँ हो गई है जब से ये सब हुआ है? कुछ नहीं, यहीं आंगन में पसर जा, अंदर जाके सो, और कल तुम्हारा पलंग आ जाएगा, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी हम जो कह रहे हैं वही सब करो, जाओ। आप कह रहे तो जा रहे। हाँ, जाओ। ये मॉडर्न महिला कहाँ सरक रही? दद्दा को ही पूछने दो। अरे क्या करते थे चक्कर हैं? बेबात के बे टाइम के कहाँ जा रही हो बात? हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो उस टाइम पर? दादाजी वो मेरी फ्रेंड आई है, बस उसी से मिलने जा रही। फ्रेंड? शरीफ घर की लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती हैं। शरीफ लड़कियों की तरह है, सुबह नहीं आ सकती सामान देने के लिए, और तुम सुबह सुबह नहीं बुला सकती थी उसका सामान के लिए। दादाजी बुला सकती थी, लेकिन ऑफिस का? ऑफिस का कहा? अर्जेंट का। ऑफिस ऑफिस का कहा है? का घर में का जानवर रहते हैं? अच्छा बुलाओ उसको, अंदर ही आज बाहर का है खड़ा कर रखा है, बुलाओ अंदर। जी मैंने उसे कहा था अंदर आने के लिए, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी कहीं जाना था, इसलिए उसने मुझे बाहर बुला दिया। दादाजी मैं 2 मिनट में आती हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ 2 मिनट, गुड टाइम है 2 मिनट। तुझे अभी कह रही हूँ, तू सब कुछ ना वापस अपने दादी जी को दे दे। तू अकेले सब नहीं संभाल सकती रिया, और जब से तूने ये घर की रिस्पांसिबिलिटी ली है ना, तू बहुत टेंस रहती है यार। तो तू सच बता ना, तुझे बुरा लगा के मेरी किसी बात का?
तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पैसे देने में? ओ यार, तू तो बात को किसी और लेवल पे लेके जा रही है। तुझे तो कुछ समझाना ही बेकार है। ये ले पकड़ पैसे, जैसे बोला था वैसे लेकर आई। अच्छा सुन, तुम माफ कर देना यार, वो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए थोड़ी अजीब सी हो गई हूँ मैं। और सुन, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुझे सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, जब हो तब दे देना। चल बाय, मैं जाती हूँ। अभी तो शुरुआत है बहुरिया, अगर तुम्हें गले गले तक उधार में न डुबो दिया ना, हमारा नाम भी शांति ना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।